एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि लास्ट क्लास में अपना ने इनवर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन का एक जनरल लेआउट देखा था, उसी जनरल लेआउट में हमने एकशेरुकी या इनवर्टिब्रेट जंतु के फाइलम के बारे में एक थोड़ी सूची देखी थी। उसी सूची में हम सबसे पहला जो फाइलम है, फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कशन करना चाह रहे हैं। इनवर्टिब्रेट का सबसे सिंपल फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का मीनिंग होता है, ये दो लैटिन वर्ड से बना हुआ है, प्रोटस प्लस जोन। प्रोटस मतलब फर्स्ट और जोन मतलब आपके एनिमल से, मतलब ये नेचर के अंदर दिखाई दिए जाने वाले सबसे सरलतम जीव थे। इनको ये माना गया कि भी सबसे सरलतम जीव ही पहले पृथ्वी के ऊपर विकसित हुए होंगे। सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया गया था ल्यूबेनोव के द्वारा। ल्यूबेनोव ने अपने एक सिंपल माइक्रोस्कोप में इन एनिमल को पानी के अंदर, कुछ अलग अलग जगह मिट्टी के अंदर इनको ऑब्जर्व किया था। लेकिन जो प्रोटोजोआ वर्ड जो दिया था वो गोल्डफिश ने जो है वो दिया था, यानी कि जो प्रोटोजोआ वर्ड जो है वो गोल्डफिश ने दिया था और ल्यूबेनोव ने जो सबसे पहले प्रोटोजोआ को खोजा। हम थोड़े से इसके जनरल कैरेक्टर्स फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में देखेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ये एनिमल जो है वो सबसे सिंपल यूनिसेलुलर, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। साथ में ये यूकैरियोटिक एनिमल है। यूकैरियोटिक एनिमल मींस, जैसे कि कुछ ये डायग्राम देख रहे हैं, ये अमीबा, ये आप देख रहे हो इसके अंदर पैरामीशियम, ये यूमिलिना देख रहे हो। हर एक जो एनिमल है उनके अंदर आपको एक वेल डेवलप न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये यूकैरियोटिक टाइप के एनिमल हुए। लेकिन ये यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल से बने हुए एनिमल, जिसको आप एसेलुलर एनिमल भी कह सकते हैं। कई साइंटिस्ट इसको एसेलुलर एनिमल के रूप में भी इसको बताते हैं, क्योंकि इनका शरीर जो है वो सेल से ही बना हुआ है। सेल जो है वो एक ही है, सिंगल मींस पूरा एनिमल सिंगल सेल है, तो इस वजह से हम इसको सेल रहित एनिमल कह सकते हैं। यहां देखो इसके अंदर हम, हालांकि अगला पॉइंट अपने देख रहे हैं, सेल रहित ऑर्गेनिज्म मानते हुए या एसेलुलर एनिमल मानते हुए, तो इसे आप जो इसका शरीर का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का, मतलब शरीर के अंदर प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही सारी वे एनिमल से संबंधित आवश्यकताएं या जो प्रक्रिया होती है वो पूरी हो जाती है। तो इसके शरीर को आप प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जानते हैं। कहां मिलता है ये प्रोटोजोआ जो एनिमल है वो पानी के अंदर पाए जाते हैं, मॉइस्ट सोइल के अंदर पाए जाते हैं। ये फ्री लिविंग यानी के स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले भी हो सकते हैं। इसके साथ ही एज ए पैरासाइट, पैरासाइट इस वजह से क्योंकि ये बहुत सारे एनिमल और प्लांट के शरीर के अंदर अपने जीवन यापन करने के लिए परजीवी प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ एग्जांपल है जैसे कि प्लाज्मोडियम, जिसे मलेरिया डिजीज होती है, वो आपका प्रोटोजोआ का सदस्य होता है। इसी तरीके से ट्रिपनोसोमा, जिसे अफ्रीकन स्लीपनेस डिजीज होती है, तो ये हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले डिजीज को कोज करने वाले पैरासिटिक नेचर की, ये प्रोटोजोआ के दो एग्जांपल आपने देखे। एसिमेट्रिकल मतलब इरेगुलर शेप यदि इसकी होती है तो वो एसिमेट्रिकल सिमेट्री को बताते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री, जैसे कि ये लंबे दिख रहे हैं कुछ इस तरीके से, बाइलेटरल सिमेट्री को ये शो कर सकते हैं। कुछ राउंड शेप के भी जो है प्रोटोजोआ सदस्य होते हैं, तो उनके अंदर रेडियल सिमेट्री भी पाई जाती है। तो सिमेट्री भी आप ये एसिमेट्रिकल, बाइलेटरल और रेडियल सिमेट्री सारी तरह की सिमेट्री के अंदर पाई जाती है। एक और जो इंपॉर्टेंट फीचर है इसका वो है पेलिकल। पेलिकल देखो, ये शरीर के बाहर की तरफ पाए जाने वाली कवरिंग है। लेकिन पहले अपने देखेंगे कुछ एनिमल इनके कैसे होते हैं, जिनके अंदर बॉडी जो है वो नेक्ट, मतलब कोई कवरिंग नहीं होती, सीधी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर पाई जाती है। लेकिन बहुत सारे जो प्रोटोजोआ है
उनके अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कवरिंग पाई जाती है, इस कवरिंग को कहते हैं पेलिकल। पेलिकल जो है वो आपके एक प्रोटेक्टिंग सीट है, सुरक्षात्मक एक आवरण है जो इसके शरीर को टूटने से या सेल को टूटने से बचाने का काम करता है। एक तरीके से सुरक्षा का काम हो गया इसका। हमारे लगभग सारे के सारे जो प्रोटोजोअन जंतु है उनके अंदर पेलिकल पाया जाता है, तो हम इसका एक रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो पेलिकल का पाया जाना वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंदर बात हम करेंगे इसके अंदर इनमें लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए अलग अलग प्रकार के स्पेशल ऑर्गन भी जो है इनके अंदर पाए जाते हैं, गमन अंग जिसे हम कहते हैं। एक तो इसके अंदर आप देखोगे स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया का बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा अमीबा में। अमीबा के अंदर साइटोप्लाज्म एक तरफ जो है वो बढ़ते हुए एक तरीके से आपका प्रोटोप्लाज्म से एक तरीके से बाहर की तरफ एक आउटग्रोथ बनाता है, उस आउटग्रोथ से जो स्ट्रक्चर बनी उसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। इस स्यूडोपोडिया के बाहर निकलने और अंदर जाने से जो एनिमल इजीली क्या कर सकता है, गति कर सकता है। दूसरा इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन है सिलिया। सिलिया जो है वो ये एक तरीके से छोटी छोटी जो स्ट्रक्चर सरफेस पर दिखाई दे रही है ये सिलिया कहलाते हैं। सिलिया हालांकि संख्या में ज्यादा होते हैं, लेकिन एक चीज और देखें फ्लैजेला को भी साथ में देख लेते हैं। फ्लैजेला जो आप देख रहे हो ये तो आपके पैरामीशियम में सिलिया दिखाई दे रहे हैं। यूलिना के अंदर आपको एज फॉर एग्जाम्पल आपने फ्लैजेला का एग्जाम्पल देखा है। फ्लैजेला देखो, फ्लैजेला और सिलिया स्ट्रक्चर में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका और इनकी संख्या में डिफरेंस मिलेगा। देखो काम करने के तरीकों के अंदर ये काम करने का तरीका बाद में देखेंगे, पहले इसकी जो स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो संख्या में, सिलिया जो है वो साइज में छोटे होते हैं और इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, जबकि ये फ्लैजेला जो है वो क्या होते हैं लंबे होते हैं साइज में, और साथ में साइज बढ़ा हुआ साथ में क्या हुआ इसके अंदर कि भी इनके जो मतलब संख्या भी आपको क्या मिलेगी कम मिलेगी। काम करने के तरीकों में ये पतवार के समान काम करते हैं, जैसे नाव नाविक चलाने के लिए नाव को काम में लेना चाहिए। एक नाव मान लीजिए, इस नाव के अंदर ये छोटे 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 पतवार दिख रहे हैं, तो इस तरीके से ये काम करते हैं। जबकि इसके अंदर विंग लाइक लोकोमोशन होता है, यानी कि चाबुक के समान गति करने से इसके अंदर गति एनिमल के अंदर गति का ये गुण देने का कार्य करेगा। न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन में ये होलोजोइक नेचर के मींस ये पूरे के पूरे कंप्लीट छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को या छोटे जीवों के छोटे जीवों को भोजन के रूप में क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। सैप्रोफिटिक यानी कि ये मृत जीवों का जो अवशेष है कार्बनिक पदार्थ है उनको ये भोजन के रूप में अवशेष को ग्रहण कर सकते हैं। पैरासिटिक नेचर, पैरासिटिक का मतलब किसी जीव के शरीर के अंदर जो है ये रहकर उस जीव के शरीर से पोषण प्राप्त कर सकते हैं, तो वो पैरासिटिक प्रकार का पोषण हो गया। यदि हम बात करें एक्सक्रीशन, देखो ये प्रोटोजोअन एनिमल है, इनके अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होता है, और अमोनिया जो है वो इजीली सरफेस से क्या कर दी जाती है, जो भी अमोनिया बनेगी उसको जंतु की सतह से यानी कि एनिमल सरफेस से इजीली डिफ्यूजन से ये क्या कर देता है, बाहर की तरफ निकाल देता है। तो एक्सक्रीशन जो है वो जनरल बॉडी सरफेस से थ्रू डिफ्यूजन विसरण विधि से ये क्या कर सकता है, शरीर से बाहर निकाल सकता है। और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो गैसों का एक्सचेंज होता है, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल CO2 बाहर निकलनी है, ऑक्सीजन जो है वो अंदर की तरफ आनी है, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस भी जो है बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन से होती है। तो यहां पर एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन दोनों ही जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन से ये प्रोसेस संपन्न होती है। ये और एक महत्वपूर्ण बिंदु है इसका, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम। देखो एनिमल होते हैं वो जनरली हमारे शरीर के अंदर जनरली ये पानी में पाए जाते हैं, तो जो पानी होता है वो ऑस्मोरेगुलेशन से इनके शरीर में एंटर करता रहता है। जैसे कि ये कोई एक अपने रिप्रेजेंटेटिव तौर पर प्रोटोजोआ एनिमल को देखा, पानी के मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ ऑटोमेटिकली पानी के मॉलिक्यूल क्या होंगे, अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो पानी आ रहा है, तो पानी निरंतर प्रवेश करते रहने के कारण पानी का लगातार इसमें प्रवेश करने से एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि भी इसका पूरा का पूरा शरीर है वो फट सकता है प्रेशर से, दबाव से।
जो पानी इसके अंदर आ रहा है उसको निकालना जरूरी है। तो प्रोटोप्लाज्म से जो पानी है उसको छोटी छोटी बूंदों के रूप में इकट्ठा किया जाता है और एक वैक्यूल में डाल दिया जाता है। इस वैक्यूल को कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्योंकि इस वैक्यूल के अंदर एक कैपेसिटी तक, एक क्षमता तक पानी भरता है, और पानी भरने के बाद में उसको एक प्रेशर के साथ में बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। तो कॉन्ट्रेक्शन से वैक्यूल ये क्या करती है, जो अंदर की तरफ ऑस्मोसिस से पानी आया है उसको ये सामान्य करने का कार्य करेगी। तो ऑस्मोरेगुलेशन का कार्य इसके द्वारा संपन्न होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फ्यूजन, ये फेवरेबल कंडीशन के अंदर होने वाला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन का तरीका होता है, जिसमें एक सेल दो हिस्सों में डिवाइड होती है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, समसूत्री विभाजन से। एक होता है प्रोसेस इसके अंदर मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन जो है वो एक सेल से बहुत सारे जो है सेल डॉटर सेल के रूप में या प्रोजेनी के रूप में सेल बनना, ये आपका मल्टीपल फ्यूजन कहलाता है। मल्टीपल फ्यूजन जो है वो कुछ अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ऐसा जो है वो होता है। बडिंग एक प्रोसेस ऐसी है जिसके अंदर कोई आउटग्रोथ बनते हुए और उसके अंदर अंदर की तरफ मौजूद जो सेल का न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर उस आउटग्रोथ में चला जाता है। उस प्रोसेस से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक स्पेशल मेथड होता है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन एक तरीका है जिसमें गैमेट नहीं बनते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है, गैमेट नहीं बनते लेकिन गैमेटिक न्यूक्लिया ही जरूर बनते हैं, और उन गैमेटिक न्यूक्लिया का एक्सचेंज जो है वो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कॉन्जुगेशन स्टेज के अंदर जरूर होता है। तो होता क्या है, इसके अंदर दो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले एनिमल एक दूसरे के नजदीक आएंगे और उनके अंदर दो गैमेटिक न्यूक्लिया बनेंगे और उनका क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। दोनों जंतु जहां पे आपस में जुड़े हुए हैं तो उस जगह से प्रोटोप्लाज्म ब्रिज बन जाता है, और इस प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज से इन न्यूक्लियस का एक्सचेंज हो जाएगा और बाद में आपस में फ्यूज करके ये जो है आपस में गैमेटिक न्यूक्लिया जो है डिप्लॉइड टाइप के न्यूक्लियस को बनाएंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन को पूरा करेंगे। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा मेथड जो है वो कॉन्जुगेशन के अंदर देखा जाता है प्रोटोजोआ एनिमल के अंदर। अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये एक इनएक्टिव स्टेज के अंदर चले जाते हैं। इस इनएक्टिव स्टेज को अपने एंसिस्टमेंट के नाम से जानते हैं। एंसिस्टमेंट के अंदर क्या होता है कि एनिमल के बाहर की तरफ एक मजबूत प्रोटेक्टिंग कवरिंग बनती है जिसे सिस्ट बोलते हैं, हिंदी में इसे पुटिका के नाम से जानते हैं, जो बाहर के एनवायरमेंटल स्ट्रेस को झेलने के अंदर सक्षम होती है। जैसे कि पानी की यदि कमी हो गई है जलाशय में तो ये जंतु जो है वो मरते नहीं, कुछ इन संरचनाओं के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं जिसके कारण वो अनफेवरेबल कंडीशन को एक तरीके से व्यतीत कर सके, और बाद में जो है वो फेवरेबल कंडीशन में इस बाहर की कवरिंग को गला देते हैं और इसके साथ ही वो अगले जीवन को क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे प्रोटोजोआ एनिमल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुए। कुछ एनिमल जैसे कि ये अमीबा, ये आपके पैरामीशियम और ये यूग्लिना। यूग्लिना के बारे में बात करें, एक और इंटरेस्टिंग बात, यूग्लिना को आप प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिव लिंक मानते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये प्लांट की तरीके से फोटोसिंथेसिस करता है, जबकि एनिमल की तरीके से इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं। तो इसको एक तरीके से कनेक्टिव लिंक माना जाएगा एनिमल और प्लांट के बीच की। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसके थोड़े क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।